जय हिंद नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपका फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का जो हम प्रश्नावली लेने वाले हैं वो है अनुपात समानुपात। मैथ में अनुपात समानुपात के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आगे कई ऐसी प्रश्नावलियाँ हैं जिनमें आपको इसका जो नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अनुपात समानुपात का यानी रेशियो का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको इसको सिर्फ चुटकियों में एक दो सेकेंड में क्वेश्चन करना सिखाता हूँ दोस्तों, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन करते हैं। इसका यह पहला पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट भी आप ज़रूर देखना, वो मैं अगले दिन डाल दूंगा दोस्तों। अब देखिए, जो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है दोस्तों, 18 अनुपात 12 समानुपात 21 अनुपात x, यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें एक फिक्स फंडा रहता है, इसमें क्या करना है आपको कि जो नज़दीक नज़दीक वाले हैं इनको मल्टीप्लाई और जो दूर दूर वाले हैं इनको मल्टीप्लाई करना रहता है। तो नज़दीक नज़दीक वाले कितने दोस्तों, 12 इंटू 21 और दूर दूर वाले 18 इंटू x। अब होगा क्या इस स्थिति में, x हमको ज्ञात करना है, तो ये 18 कहाँ चले जाएगा, इसके नीचे, तो ये 18 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको हल कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, 6 का इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, 3 का इसमें 7 बार, 7 × 14, तो ये आपके आंसर आ गए दोस्तों। मतलब बिल्कुल आसानी से आप एक सेकेंड में इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर दोगे दोस्तों। अब बस कुछ नहीं करना, नज़दीक नज़दीक वालों को मल्टीप्लाई और दूर दूर वालों को मल्टीप्लाई, लेकिन ये ट्रिक केवल आप मैथ में लगाएं, रीजनिंग में इस प्रकार से क्वेश्चन हल नहीं होंगे दोस्तों, वहाँ पर ये ट्रिक ना लगाएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी का अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको डबल एक्स देखो क्या दे रखा है, 36 अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात 49, यानी दो बार क्या दे रखा है एक्स, और ज्ञात क्या करना है आपको, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा, नज़दीक नज़दीक वाले मल्टीप्लाई और दूर दूर वाले मल्टीप्लाई, तो दूर दूर नज़दीक नज़दीक वाले एक्स इंटू एक्स बराबर 36 इंटू 49। तो इधर दोस्तों क्या है, x इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। आपको इधर क्या कर देना, 36 पर भी रूट लगा देना और 49 पर भी, ये इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर भी रूट लगा सकते हो आप। इस प्रकार से इनको आसानी से कर दोगे, इनका ही तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट लगाने तो इधर 6 इंटू 7 42, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो, जैसे x इंटू एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर 36 इंटू 49। तो इधर स्क्वायर हटाने के लिए इनको रूट में ले लो दोनों संख्या को, इस प्रकार से रूट में लोगे तो ये इसका कितना 6 और इसका 7 बराबर 7 × 42, ये आपका आंसर, मतलब एक सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा, 16:40 का तृतीय अनुपाती। अब तृतीय अनुपाती होता क्या है, मैं आपको इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ तृतीय अनुपाती क्या होता है। देखो 16 और 40, तो इसका तृतीय अनुपाती क्या होता है, 16:40 समानुपात, यही आपको 40 लिखना है, अनुपात क्वेश्चन मार्क यानी एक्स लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया मध्य अनुपाती, और आपको ज्ञात क्या करना है, तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसमें, 40 × 40/16, यानी 4 का इसमें 10 बार, 4 का इसमें 4 बार, फिर 10 बार बराबर आपका 100, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल इजीली कर सकते हो, आपको तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जो ये वाला अंक है इसको दोबारा रेशियो के अगला लिख देना है और यहाँ पर आपका तृतीय अनुपाती आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा लेना आप, SI CPO SI GD सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है, ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:4, तो आपको ए बी सी ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखना, आपको ए बी सी इस प्रकार से लिख देना है। फिर क्या लिखा हुआ है, 3:2, ए अनुपात बी बराबर 3:2 और बी अनुपात सी बराबर 5:4, इसमें कुछ नहीं करना। देखो इधर जो खाली है तो जो ये लास्ट वाला वर्ड है वो इधर लिख देना है इस प्रकार, इधर जो खाली है तो ये 5 इधर लिख देना है इस प्रकार से, यानी जिसके सामने जो खाली है वो सेम वर्ड लिख देना। करना क्या, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 4 × 2 = 8, ये आपके अनुपात हो गए, ए अनुपात बी अनुपात सी, बिल्कुल आसानी से हो गया। एक क्वेश्चन और देखो इसी का, तो दोस्तों ये उसी का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको ए बी सी और डी तीनों चारों याद करना है। इसमें लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, वही स्कीम करनी, ए बी सी और डी इस प्रकार से लिख देना है। ए अनुपात भी कितना लिखा हुआ है, 2:3। अब जो अगला है बी अनुपात सी, उसको नीचे लिखना है दोस्तों, लगातार नहीं लिखना। बी अनुपात सी कितना है, 1:4, ठीक है, और सी अनुपात डी उससे नीचे वाली लाइन में लिखना है, 3:5। अब मैंने जैसा बताया कि उससे अगले डिजिट से कम, अब यहाँ पर देखो 2 डिजिट खाली है तो इधर भी 3 लिख देना है, इधर भी 3 लिख देना है, इधर 1 डिजिट खाली है तो इधर 4, तो इधर भी 4 लिख देना है, इसके आगे इधर 1 लिख देना है, और इधर 3 लिख देना है,
इसके आगे जो खाली है उसी सेम नंबर लिख देना, इस प्रकार से कर देना। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, दो दो तीन छः, तीन तीन नौ, चार तीन बारह और बारह तीन छत्तीस, पाँचों बीस और बीस इंटू तीन साठ। अब इसको आप और छोटा रूप कर सकते, तो इसका आप और छोटा रूप कर सकते हो, जैसे छः का तीन का भाग देंगे तो दो तीन बारह और बीस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो।